नमस्कार समस्त को मो नाम प्रियदर्शिनी मुनि एवं मु मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रीवियस वीडियो रे हमें डिस्कशन करथिले फ्लाइट अडॉप्टेशन विषय रे बर्ड्स मानकर जो थे कि हमें देखिथिले मॉडिफिकेशंस कौन कौन सब होती जोटा कि हेल्प करे गोटे एरियल लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखापी एवं आम कि टोटल आम 9 पॉइंट्स डिस्कशन करथिले एवं एई वीडियो रे हमें बाकी जेतिक रेस्ट पॉइंट जोटा कि बड़का रही जाइए ताको हमें कवर अप करबा। तो प्रथम पॉइंट रु जदि मु स्टार्ट करी दैट मीन्स 10th नंबर पॉइंट रु जदि मु स्टार्ट करी देन फ्लाइट मसल्स। सो फ्लाइट मसल्स कहले हमें सही मसल्स को बुझेऊ जो थे कि आपन को फ्लाई करिवार हेल्प करिवो। यूजुअली बर्ड्स मानकर जदि फ्लाइंग पोजीशन आपन देखिबे तो आइदर से माने ग्राउंड रु ऊपर को जाई परिबे किबा ऊपर रहिके तळु को आसी परिबे जतळ से माने पर्चिंग पई आसंती किबा रेस्टिंग पई आसंती किबा से मानकर फूड कैप्चरिंग प्रोसेस थाए दीटा पोजीशन का डायरेक्शन रे मानकर मूवमेंट रहिबो। तो तळु से माने ऊपर जांतु किबा ऊपर से माने तळु आसंतु दीटा का कंडीशन रे ही जो मसल्स माने इन्वॉल्व थाते जडे कि तांको हेल्प करंती फ्लाइंग पई से मानको पेक्टोरलिस मसल्स वेली कहा जाए। एवं ए पेक्टोरलिस मसल्स मानकर टाइप दुईटा प्रकार रहछि गुटिया रहला आपनकर पेक्टोरलिस मेजर एवं सेकंड मसल्स ना रहिला पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर एवं पेक्टोरलिस माइनर बहुत गुड़ाक केस रे इठी आपन को किछटा कंट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन देखिबा को मिले एवं एमानक द्वारा ऑर्गेनिज्म कोन में एनेबल हुए गोटे जगह आउ गोटे जगह को फ्लाई करके जीवापी जमी आप जानते बॉडी रे वॉलंटरी मसल्स मैंने थांती एवं इनवॉलंटरी मसल्स मैंने थांती। वॉलंटरी मसल्स मानकर एक्टिविटी कम्प्लीटली आमर इच्छा उपर डिपेंड करे आमे जेमती चाहिबा मसल्स मानको सही टाइप रे मूवमेंट करे दे परिबा। तो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर रो जो मसल्स माने थांती मोस्टली एमानकर बिहेवियर वॉलंटरी थाए जो थे कि जितेबेले गोटे ऑर्गेनिज्म फ्लाय करबा को चेष्टा करे ग्राउंड रु टॉप को हला किबा टॉप रु ग्राउंड को हला दीटा करे मसल्स माने हेल्प करंती। तो मुझे डायग्राम करके आपको देखे देवी जितेबेले गोटे अपस्ट्रोक मूवमेंट हला किबा डाउनस्ट्रोक मूवमेंट हला दीटा करे को टाइप रो एक्टिविटीज रहूची। तो जदि आप पेक्टोरल गिडिल को देखिबे बर्ड्स मानकर तो पेक्टोरल गिडिल आपनकर किछ एटा थाए पेक्टोरल गिडिल माने जोटा आपनकर शोल्डर बोन को जोटा बुझौची। सो एटा रहला आपनकर स्टर्नम राइट देन स्टर्नम परे मो एठी आपनकर विंग्स मानकर बोन्स कर दउची। सपोज धरि दियो तो एटा आपनकर विंग्स रो बोन हला ओके। सो एटा आपण बोन्स मानकर पोजिशन देखिपे कम्प्लीटली फ्लाट कर तो जितेबाला गोटे अर्गानिजम डाउन स्ट्रोक मुवमेंट हुए दैट मीन्स उपर जितेबाला से तलूक आस आरमार्क देदे मुझर तलूक। तो जितेबाला उपर से तलूक आसूँ मसल्स मानक ये पोजिशन कौन चेंजेस आसवे देखते। तो मेजर मसल्स रहा जोटा कि आपंकर पेक्टोरलिस मेजर तो जो मसल्सटा एवं आप देखुं डायग्राम से पेक्टोरलिस मेजर दैट मीन्स यहाँ रहा आपंकर पेक्टोरलिस मेजर ओके। देन सेकेंड मसल्स रहिला जहाँ को आपणकर कहा जाए पेक्टोरलिस माइनर एटा रहिला आपणकर पेक्टोरलिस माइनर ओके। सो यूजुअली जितेबाला आपणकर डाउन स्ट्रोक मूवमेंट हुए तो पेक्टोरलिस मेजर मानकर कंट्राक्शन हुए एवं पेक्टोरलिस माइनर माने कम्प्लीटली रिलैक्सेशन कंडीशन रे थांती। से सेम कंडीशन जदि आपण अपवर्ड डायरेक्शन रे देखिबे अपवर्ड डायरेक्शन बेले सपोज धरि दियंतु अगेन मु एठी गोटे पेक्टोरल गिडिल रो डायग्राम करूची डायग्राम एते प्रॉपर हेइ परुनी सो सेति पई क्षमा करिवे। गूगल रे बहुत गुडे भलो भलो डायग्राम्स आपण मानको मिलि जइबो। तो सेइ डायग्राम रो भी जदि आपणको किछि भी कन्फ्यूजन होतबो देन आपण सेइ डायग्राम रो कवर अप कर दे परिबे जदि किछि एक्स्ट्रा डाउट रहला। तो यूजुअली जोटा आपणकर जेतेबेले ऑर्गेनिज्म तळु ऊपर को जेतेबेले फ्लाई करिया को चेष्टा करे तो सेमानकर विंग्स गुड़ाक बेंड हो जाए। तो जोटा कि ये आप देखिपे बेंड हो रही तो यहाँ को आपंकर अपस्ट्रोक मुवमेंट आपदेपरेंगे एवं यही केस्रे कौन हुए पेक्टोरलिस मेजर आपंकर रिलैक्स कंडीशन रुए दैट मीन जोटा बड़ मसलटा जोटा जो पेरीफेरल रिजन को अच्छी किंतु आप जब पेक्टोरलिस माइनर माइनर आपको देखिए देन सी जगह सी कौन कर कंट्राक्शन मुवमेंट सो कह। तो दुई प्रकार मुवमेंट ये आसी जा फ्लाइट मसल्स मैंने जितेबाला डाउन स्ट्रोक मुवमेंट हम डाउन स्ट्रोक टाइप आपणकर मेजरा रंट्राक्शन शो कर माइनरा रिलैक्स कंडीशन में जितेबाला सी अपस्ट्रोक मुवमेंट शो कर दैट मीन्स उपर को उड़ी जाऊँच। तो माइनरा से आपंकर कंट्राक्शन रेजरा से जगह कम्प्लीटली रिलैक्स कंडीशन में रोक। तो पेक्टोरलिस मेजरा और माइनरा यही टाइप बर्ड्स को हेल्प करती फ्लाय करने ता सहित मुझे आउ किटा कहि देन बर्ड्स मानक केस रे निहाती भाव में अलग मसल्स माने मध्ये अछन्ते एमती नुहे केवल पेक्टोरलिस मसल्स माने अछन्ते अलग मसल्स माने मध्ये अछन्ते किंतु मेजरली जदि आपण फ्लाइट पॉइंट ऑफ व्यू रे देखुचन्ते फ्लाई करिवार पॉइंट ऑफ व्यू रे देखुचन्ते देन पेक्टोरलिस मेजर एवं माइनर एम जनता को हेल्प करती। देन नेक्स्ट आम देखा पर्चिंग पर्चिंग रिंपल वर्ड कहले रेस्टिंग बोली बुझाए जितेबाला गोटे बर्ड
रेस्ट करे आसिकी जेकोसी गोटे ब्रांच उपरे किंबा ट्विग उपरे जेतर से रेस्ट करे सेटाक आपनकर पर्चिंग बिहेवियर बोली कहा जाए। रेस्टिंग टाइम रे से कौन करती तांकर हाइंड लिम रो जो टोज उड़ाक अच्छे से टोज रे आसिकी से ट्विग को आसिकी कैप्चर करके रखे, दैट मीन्स गोटे ग्रिप मेंटेन करके रखती। तो यूजुअली कौन हुए जब आप कौन गोटे बर्ड को देखी थे जितने से आसिक गच्छे बसुच्छे बडीर पूरा वेटा आगो पटु को बेंड हो रही जाए, दैट मीन्स सपोज धर दिखते ये गोटे मुझे ट्विग्र स्ट्रक्चर करुच्छी एवं एट रहा आप टोज्र स्ट्रक्चर यहाँ रहा आप पचपट टोज ओके ये टाइप देन अर्गानिजम बडीर जोटा पोजिशन रही एमपी टाइप रो तो ये कौन हुए जो गोटे अर्गानिजम गोटे बर्ड आसिक रेस्ट करुच्छे गोटे ट्विग उपरे तो यूजुअली हाइंड लिम गुड़ाक से स्ट्रंग होगा निहाती भाव में जरूरी एवं जो बडी आग को झुंकुची कि बडी जो आग को टी बेड होकर रोचे तो ताद्वारा कौन हुए जो गोड़े से मसल्स मैंने अच्छा जहाँ सागर गोटे अटाच्ड होकर रही था जार ना है फ्लेक्सर टेंडर ये टेंडर मान गए कौन करते गोटे कुलिंग फोर्स जेनेट करती तो जो कुलिंग फोर्स जेनेट करेंगे तो अर्गानिजम पर्चिंग टाइम निजर बडी को कम्प्लीटली बालान्स करके रखिपार एवं वेट को भी क्यारि करके रखिपार तो ये रहा आप फ्लेक्सर टेंडेंस मानक गोटे कुलिंग फोर्स जेनेट हुए जोटा कि गोटे टाइप आडाप्टेसन भाव में आपने नहीं पारे। देन नेक्स्ट आसगला आपर एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन दैट मीन स्केलेटन जोटा कि आम बडी भितर अच्छी से स्केलेटन स्ट्रक्चर्स मानक भितर बहुत गुड़े मॉडिफिकेशंस आपको देखा मिले बर्ड्स मानक केस रे। प्रथम मॉडिफिकेशन जब मुझे स्टार्ट करी तो नंबर वन इज फ्यूजन ऑफ बोन्स यूजुअली स्कल बोन मानक जब आप देखिए तो बोन्स गुड़ाक कम्प्लीटली फ्यूज हो जाती छोट छोट पार्टस न रही कौन करती गोटे फ्यूज होते कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मैंने मेन्टेन करके रखती। सेकेंड जिनस न्यूमाटिक न्यूमाटिक मैंने आपको कैविटीज मिले बोन्स भितर यूजुअली जब आप मटन कि चिकेन तो समस्ते मैंने खाऊंट तो आप जी देखिए मटन रोन्स मानक जब देखिए तो आपको यही टाइप रिचा स्ट्रक्चर मिले ओके दैट मीन ये आपको ये जिनसा आपको सॉलिड मिल जदि जो मैंने जो मान कन्फ्यूजन हो नेक्स्ट टाइम जिते खाइबे मटन कि चिकेन ये जिनसा टे ध्यान रखिए सो ये जगह आपको सॉलिड मिल ओके बट जदि आप चिकेन रोन को देखिए देन चिकेन रोन आपको ये टाइप स्ट्रक्चर मिल कैविटीज मिल नेक्स्ट टाइम जो खाइबे से आप नजर रखिए देन जापर सो न्यूमाटिक्स से कहुए बिकज एयर कैविटीज थाए बर्ड्स मानक बोन्स भितर सो दैट कि बोन आपर लाइट वेट हो यूजुअली जो मानक पाखे कैविटीज न थाए से बोन्स बहुत हेवी थाए बट जो मानक कैविटीज थाए से बोन्स गुड़ाक बहुत लाइट थाए तो बर्ड्स मानक बोन्स मानक न्यूमाटिक एथपाई कहुए बिकज से पाखे एयर कैविटीज थाए पोर्स वाला बोन्स से कहुए। देन अनसिनेट प्रोसेस माने कौन सपोज धर दिखते जो थोरासिक वर्टिब्री जो रिफ केज जो रहा यूजुअली एमती रिफ केज थाए रिफ केज उपरे किछटा प्रोजेक्शन सेमती बाहर के रही थाए जहाँ अनसिनेट प्रोसेस बोली कहुए और एम कौन करती कंपैक्टनेस रे हेल्प करती ऑर्गन्स मानक क्लोजली पैक करिवारे हेल्प करती। देन नेक्स्ट आसला हेटरोसिलस हेटरोसिलस वर्टिब्री आप देखा जाए नेक पाखे जो थे कि मोबिलिटी प्रोवाइड और फ्लेक्सिबिलिटी रहे वर्टिब्री जब स्ट्रक्चर देखिए तो यूजुअली वर्टिब्री मानक स्ट्रक्चर किसी यही टाइप रही थाए ना दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ हेटरोसिलस वर्टिब्री ओके ये टाइप स्टेबल सेफ्ट स्ट्रक्चर भी कहुए और टाइप आरेंजमेंट आप बोन्स नेक पाखे सो दैट कि कम्प्लीटली 180 डिग्री निजर बेक को मूव करेंगे जो जो से फ्रंट साइड बैक साइड लेफ्ट एवं राइट रे सब प्रकार डिरेक्शन रो से भल भाव देखिपारे। देन नेक्स्ट आसला आपर कॉडल वर्टिब्री कॉडल माने होची आपर टेल रीजन तो वर्टिबल कलम जो टेल पोर्शन आड़ को वर्टिबल कलम जो पार्टा रोचे कॉडल वर्टिब्री बोली कहुए और कॉडल वर्टिब्री एक्चुअली बेसी इलांगेटेड न होकर साइज रे से छोट हो जाती क्लोजली पैक्ड था तो से कॉडल वर्टिब्री बोली कहुए ये कॉडल वर्टिब्री मैंने जो आपर साइज एम छोट आसी जाऊँच तो ये से गोटे स्ट्रक्चर डेवलप कराती जार ना है कौन पाइगो स्टाइल तो पाइगो स्टाइल कौन कैर एयर में जिते बड़े फ्लाए कला बेल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिवारे एमानको हेल्प करे। देन नेक्स्ट आसला आपर पेल्विस एवं सिंसार्कम पेल्विस रहा आपर पेल्विक गिडिल जोटा कि आपर वेस्ट बोन जोटा को कहुए पेल्विक गिडिल रहा सो पेल्विक गिडिल पाखे ये जो पार्ट आपर रहा जोटा कि सिंसार्कम जोटा देखुन से बोन रो ही गोटे पार्ट जो थे कि गोड़ सागर मैंने आटाच होती तो सपोज धर दिखुं एटा रहा आपर वर्टिब्री ओके तो वर्टिब्री सागर ये जगह आप पेल्विक गिडिल रहा और पेल्विक गिडिल टॉप अपर पार्ट आपर सिंसार्कम थाए
ଏବଂ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି। ବାକି ଆଗପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ରିବ୍ କେଜେସ୍, ଓକେ, ଏବଂ ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ପାର୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ସଲ୍ସ ଆଉ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସକୁ ଦେଖିବେ, ବୋନ୍ସ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଟାର୍ସଲ୍ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବୋନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ତ ୟୁଜୁଆଲି ବୋନ୍ସ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିମର, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରି ଟିବିଆ ଆଣ୍ଡ ଫିବୁଲା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ସଲ୍ସ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ, ଦେନ୍ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ ପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଲେଞ୍ଜେସ୍। ତ ଟାର୍ସଲ୍ସ ଏବଂ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟାର୍ସୋ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟାର୍ସୋ ମେଟାଟାର୍ସଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଟାର୍ସଲ୍ର ଅପର୍ ପା ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଟିବିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଟିବିଆ ଟାର୍ସଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟର୍ନମ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ବୋନ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇକି ଥାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଲ୍ ବୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟର୍ନମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଥୋରାସିକ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେର ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ୍ କଲମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ଓକେ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏମାନେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଇ ବାର୍ଡ୍ସ ମାନେ କେବଳ ରନିଙ୍ଗ ବିହେଭିଅର୍ ସୋ କରିବେ, ସେମାନେ ଫ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହି ହାଇ ଥାଏ, ହାଇ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ରେଟ୍ ଏମାନେ ସୋ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିବ, ଏବଂ ୟୁଜୁଆଲି ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ରେକ୍ଟମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, ଏବଂ ରେକ୍ଟମ୍ ସରି ଆଇ ମିନ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଭୁଲ କହିଲି, ରେକ୍ଟମ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ମାନେ ସାଇଜ୍ ରେକ୍ଟମ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ବଡ଼ିରୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଲା ଦେନ୍ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ବିଲକୁଲ ଏମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏକ ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ନେଚର୍ ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ତା ସହିତ ଏୟାର୍ ସ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏୟାର୍ କ୍ୟାଭିଟିସ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଏୟାର୍ କ୍ୟାଭିଟିସ୍ ମାନେ ବଡ଼ିର ଯେତେ ସବୁ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା ସବୁଆଡ଼ୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ିର ସବୁ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଏମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏମାନେ ପର୍ସପିରେସନ୍ରେ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ପର୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ବଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଅନ୍ନେସେସରି ସଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ବଡ଼ିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ବଡ଼ିରେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି ରଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ତ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ତ ନଥାଏ, ଏମାନେ ସ୍ୱେଟ୍ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି ସେ ସ୍କିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଏମାନେ କିଛି କିଛି ହିଟ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଇରାଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତିକି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଦେନ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏୟାର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏୟାର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପିରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏୟାର୍ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏୟାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ବଟ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖା, ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କଲେ, ଏକ୍ସପାୟାର୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି 100% ଏୟାର୍ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରେସିଡ଼ୁଆଲ୍ ଏୟାର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଏୟାର୍ ସ୍ୟାକ୍ ମାନଙ୍କର ଡାଇଭେସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଫ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ୟୁଜୁଆଲି ଏମାନଙ୍କ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ଟା ଟିକିଏ ଏନ୍ହାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ, ଟିକିଏ ବେଟର୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଏମାନେ ସୋ କରନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରସେସ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡ଼୍ନେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଏମାନଙ୍କର ହୋମିଓଥର୍ମିକ୍ ଥାଏ, ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସହିତ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡ଼୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 46 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାରି କରେ, ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରକ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗରମ ମାନେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡ଼୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
सर्कुलेटरी सिस्टम जब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मिलजिव फोर चैम्बर वाला हार्ट मिलजिव जो थी कि आपको दुटा ऑरिकल और दुटा वेंट्रिकल मिल। यूजुअली सर्कुलेशन आप डबल सर्कुलेशन मोड रे फ्लो करे ब्लड। डबल सर्कुलेशन तो आप समस्त जानते तो डबल सर्कुलेशन मोड रे रहा है दैट मीन्स ब्लड गोटे थर भेन थ्रू रे आसीबो हार्ट को देन गोटे थर आर्टेरी थ्रू रे आसीबो सेम सेम ब्लड दि थर ब्लड को आसुच्छे दैट मीन्स डबल सर्कुलेशन भी कह जाए। और बर्ड्स मान केस देखा जाए जो आर्क की जोटा आप आओटिक आर्क से राइट आओटिक आर्क भी कह जाए दैट मीन्स आओटिक आर्क कहे आप फैरेंजियल आर्क्स मानक बुझाए जो भी आपर हार्ट पाखु ब्लड वेसल्स गुड़ाक बाहर की नेक एवं फैरिंग साइड को मूव करके जाए आओटिक आर्क भी कह जाए। तो यूजुअली जब से राइट डायरेक्शन में मूव करके गला दिन तक राइट आओटिक आर्क लेफ्ट गले लेफ्ट मामल्स मान केस यूजुअली लेफ्ट देखा जाए बर्ड्स मान केस यूजुअली राइट देखा जाए बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म मान केस डिफरेंसेस आसे सेटा अलग के वीडियो आओटिक आर्च पर किसी वीडियोज बनि देन से आपको एक्सप्लेन करदेवि। देन नेक्स्ट आसा आप एक्सक्रिटरी सिस्टम। एक्सक्रिटरी सिस्टम रे आपर यूरियोटेलिक एक्सक्रिटरी सिस्टम आसीजी सॉरी आई थिंक एटा मुझे भूल लिखी देखिए यूरियोटेलिक नुह सो दिस वन इज योर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक दैट मीन्स आप वेस्ट प्रडक्ट आसी जाए यूरिक एसिड एवं बॉडी मैक्सिमम टू सॉरी लिस्ट टू लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज आउट करके निजर वेस्ट मटेरियल को रिलीज करे। देन कौन से प्रकार यूरिनरी ब्लैडर एम पाखे न थाए सो दैट कि जहाँ भी यूरीन रिलीज हम मैंने सिंथेसाइज हम से स्टोर हम ना से अनडाइजेस्टेड मटेरियल सहित रिलीज आउट हो बाहरी जाए। देन नेक्स्ट आप देखिए जी ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ब्रेन एवं सेंसरी ऑर्गन से मॉडिफाइड फंक्शन रे थाए आईज मानक साइज एम बड़ थाए यूजुअली जब आप दुटा को आईज को मिसेबे देन तार साइज एवं ब्रेन रो साइज ये छोट रो आईज मानक साइज इन कंपैरिजन ये बड़ आसीजो तो ऑप्टिक लोब्स मैंने भी बड़ था आईज मैंने भी बड़ था सेरेबेलम ये आप वेल डेवलप्ड थाए जे कि इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करे ता संगे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन रे मेंटेन करे फ्लाइंग कंडीशन रे। देन कॉर्पस स्ट्राइटा अच्छी सेरेब्रम रे जोटा कि आप स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे फ्लाइट कंडीशन रे। देन लास्ट कंटे मानने बिहेवियर आसीगला आपणकर ओभारी। ओभारी यूजुअली बर्ड्स मानक केस रे सिंगल ओभारी थाए या को जदि टिके बेटर फॉर्मेट जदि मैं आपको कहबी देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट केस रे दुटा ही ओभारी थाए जमी सब ऑर्गेनिज्म मानक केस रे अच्छी सेमती एम्ब्रियोनिक कंडीशन रे मानक पाखरे दुटा ही ओभारी थाए बट जितेबले से डेवलप होंती तो से मैच्योर होंती एडल्ट कंडीशन को आसंती धीरे धीरे गोटे ओभारी जोटा अच्छे से पूरा नॉन फंक्शनल हो जाए एवं केवल लेफ्ट ओवरी जोटा आपर बॉडी रो लेफ्ट साइड रे अच्छी ओनली लेफ्ट ओवरी एवं लेफ्ट ओविडक्ट ए दुटा ही फंक्शनल कंडीशन रे रुहत बाकी आर ओवरीटा से अंडर मॉडिफाइड कंडीशन रे कि थाए कि किसी किसी जगह से डिजेनरेट भी कर जाए। तो यूजुअली स्टार्टिंग से दुटा ओवरी रुहे बट जितेबले से एडल्ट कंडीशन को आसती गोटे ही ओवरी थाए जोटा कि फंक्शन करे। तो यहाँ रही आपंकर पूरा मॉडिफिकेशन बर्ड्स मानक फ्लाइट अडाप्टेशन को लेकिन किसीटा कंटेंट मुझे अलरेडी प्रथम वीडियो एक्सप्लेन कर सारी और बाकी जितकी कंटेंट रहा से सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन कर सारे जदि आपको लगुच कि किसीटा मुझे इनफर्मेसन जोटा एक्सट्रा हो पारिता जोटा मुझे कही ना कि एक्सप्लेन करना देन मुझे रिक्वेस्ट करी कि आपने कमेंट सेक्शन में तार आपड़ी कि एक्सट्रा इनफर्मेसन अच्छे जोटा कि आप सेयार करने को चाहिए देन आप प्लीज सेयार करूँ सो दैट कि समस्ते जो मैंने भी वीडियो देखुं जो मैंने भी प्रिपेयर करुँच समस्ते बेनिफिट हे। सो थैंक यू एवरीवन जदि आपड़ोटी हेल्पफुल लगी आप नोट्स बन पारे और जहाँ भी मेजर इनफर्मेशन आपड़ फाइंड आउट करदे पारे। सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे। आम नेक्स्ट वीडियो में मुझे आउ किसी नुआ टॉपिक सहित आप सहित वीडियो शेयर करी। सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे।